الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العلي العظيم معزز علماء کرام عزیز طلباء بھائیوں اور بزرگوں اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں اس وقت چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے تین باتیں عرض کی جا رہی ہیں تاکہ یاد رکھنا آسان ہو پہلی بات یہ ہے کہ جن خوش نصیب بچوں کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی دولت سے نوازا ہے یہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور یہ یقین کریں کہ اس کائنات میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا کلام کسی کے سینے میں محفوظ ہو جائے اس کے مقابلے میں دنیا کی ہر نعمت ہیچ ہے اور کمتر ہے حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر عزت عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ حافظ کو عزت سے نوازتے ہیں جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور میدان حشر میں یہ قرآن پاک اپنے حافظ کو لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے گا عرش خداوندی کے سامنے اور درخواست کرے گا کہ الہ العالمین یہ آپ کا بندہ اس نے مجھے یاد کیا یہ مجھے پڑھتا رہا آپ اس کی عزت میں اضافہ فرمائیے چنانچہ روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے کرامت کا تاج پہنائیں گے حفظ قرآن کی بدولت اور صحیح روایت میں ہے کہ جنت کے درجات پر سیڑھی لگا دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ جیسے ٹھہر ٹھہر کر دنیا میں پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھو جہاں تمہاری قرآت ختم ہوگی وہی تمہاری منزل ہے تو جتنا بہترین پڑھنے والا حافظ قرآن ہوگا اتنی ہی اونچی جنت اسے ملے گی تو ہمیشہ شکر بجا لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اور یہ توفیق عطا فرمائی اور اس کا ارادہ کیا جائے خاص طور پر حفاظ کرام سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ رمضان کے حافظ بن کے نہ رہو کہ بس سال بھر چھٹی اور رمضان میں پڑھ لیا یا پڑھا دیا یا سن لیا
बल्कि 12 महीने कुरान से रब्त रहना चाहिए हाफिज़ कुरान का। रोज़ाना पढ़ो, इतना पढ़ो इतना पढ़ो कि ऐसा याद हो जाए कि अलग से याद करने की ज़रूरत न रहे। और इसके लिए आसान शक्ल यह है, हुफ्फाज चाहे बच्चे हों या बड़े, कि अपनी सुन्नतों में भी तरतीब कुरान पढ़ा करो, नवाफिल में पढ़ा करो। अगर रोज़ाना 2 पारे भी पढ़ लिए जो कुछ मुश्किल नहीं है, तो 15 दिन में एक कुरान ख़त्म, 2-4 दौर निकलेंगे तो बिल्कुल अजबर हो जाए इंशाल्लाह। तो भाई इसका इरादा करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़ कुरान को भी इज़्ज़त बख्शेंगे और उसके वालिदैन को भी इज़्ज़त अता फरमाएंगे। ये खुसूसियत है कुरान पाक की और इल्म दीन की, कि पढ़ने वाले को तो जो इज़्ज़त मिलेगी वो मिलेगी, उनके पढ़ाने वाले वालिदैन को भी अल्लाह ताला इस बच्चे की बरकत से इज़्ज़त अता फरमाए। चुनांचे रिवायत में है कि वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा जो ऐसा रोशन होगा जैसे सूरज किसी के घर में आ जाए तो रोशनी हो, ऐसी रोशनी उसके ताज में होगी। इसलिए वालिदैन के लिए बहुत ही बड़ा खुशी का मौका है, ये ईद से ज़्यादा खुशी है, ऐसी खुशी है जो दायमी है, हमेशा रहने वाली है, दुनिया में भी और आखिरत में। उलमा ने इस हदीस के तहत में लिखा, सवाल उठाया कि मेहनत तो की बच्चे ने याद करने में, जहन पर जोर डालने में, रात को जागता रहा, दिन को पढ़ता रहा, और ताज पहनाया जा रहा है वालिदैन को, ये क्या बात है? ये सवाल उठाया, फिर जवाब दिया कि असल बात यह है कि दुनिया के माहौल में जो आदमी अपने होनहार बच्चे को हिफ्ज़ कुरान की लाइन में लगाता है, इल्म दीन की लाइन में लगाता है, मदरसे में दाखिल करता है, तो उसे बहुत तबसरे सुनने को मिलते हैं कि लो मियाँ ऐसा अच्छा बच्चा था, इसे तो फलां स्कूल में दाखिल करना था, फलां कॉलेज में पढ़ाना था, ये तो ये बनता ये वो बनता। मगर जो वालिदैन आखिरत की इज्जत के तालिब होते हैं और दीन की मोहब्बत उनके दिल में होती है, वो इन कड़वे तबसरों को बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह ताला को उनका ये बर्दाश्त करना ऐसा पसंद आता है कि आखिरत में इस बुनियाद पर उन्हें इज्जत का ताज पहनाया जाए। इसलिए जो वालिदैन अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक बख्शी अपने बच्चों को हिफ्ज़ कराने की, आलिम दीन बनाने की, उनके लिए बहुत बड़ी सआदत और ख़ुशी का मौका है। अल्लाह ताला शुक्रगुजारी की तौफीक अता फरमाए। तीसरी बात और आखिरी बात, इस कायनात में हिदायत का सबसे बड़ा ज़रिया क़यामत तक वो कुरान मुकद्दस है। कुरान है तो हिदायत है, कुरान नहीं है तो हिदायत नहीं है। अल्लाह ने इसके अंदर अजीब तासीर रखी है। खुद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक्वम, ये कुरान उस रास्ते को दिखाता है जो बिल्कुल सीधा रास्ता है, हाईवे है जो जन्नत के मेन गेट तक आदमी को पहुंचाता है।
इसलिए हम में से हर शख्स को कुरान से वाबस्ता रहना है, कुरान की मजलिसों में शरीक होने का एहतमाम करना है। जो हजरात अइमा हैं, उलमा हैं, उनको चाहिए कि दर्स कुरान का सिलसिला जारी रखें, अपने आम बयानात में कुरान पाक की आयात को मौजू बनाकर उसके तराजिम, उसके मजामीन आवाम में बयान करें। और वैसे भी हर आदमी जैसे तिलावत का एहतमाम करे, साथ में कुछ तर्जमा पढ़ने का भी एहतमाम करे। हमें याद है आखिर ज़माने में हरदोई जाना हुआ, हज़रत मुहीउस्सुन्ना रहमतुल्लाहु तआला उनकी ख़िदमत में, तो हज़रत पर उस वक्त एक ख़ास जज्बा सवार था कि भाई सालों साल गुज़र जाते हैं और आदमी नमाज़ें भी पढ़ता है, तिलावत भी करता है, मगर छोटी छोटी सूरतों का तर्जमा भी उसे पता नहीं होता। कितने तो ऐसे होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जमा नहीं जानते, कुल हुवल्लाह का तर्जमा नहीं जानते। तो हजरत की एक तहरीक थी कि भाई इमाम साहब किसी भी नमाज के बाद एक लफ्ज़ का तर्जमा बयान करें। मसलन आज अलहमदु का किया, कल लिल्लाह का किया, परसों रब्बिल आलमीन का किया। तो फरमाते थे भाई अगर साल भर करोगे तो 360 लफ्ज़ का तर्जमा आवाम को पता चलेगा या नहीं पता चलेगा, और इसके अंदर जो तासीर है वो कहीं नहीं। इसलिए कुरान फहमी मोतबर ज़राए से कुरान को उम्मत के सामने पेश करना, उसके मजामीन को, मारिफ को, तालीमात को, यह हम सब की जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह उसके बेनज़ीर समरात व असरात ज़ाहिर होंगे। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।